आज का हम लोग का वर्कआउट होगा बाइसेप ट्राइसेप पे फुल आर्म्स वर्कआउट, तो मैं जो कर दूंगा कुणाल भैया के साथ वर्कआउट करना है जिस तरीके से बताएंगे। सुपर सेट होगा बाइसेप ट्राइसेप दोनों का, तो देखते हैं किस तरीके से फुल पंप होगा, तो पूरा शो कर दूंगा वीडियो में। तो चलिए देखते हैं आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट सेट हम लोग का होगा ट्राइसेप पुली पे, रिवर्स ग्रिप पे, ट्राइसेप पुली पे। आप देख पा रहे होंगे फॉर्म किस तरीके से, इसी तरीके से आप लोगों को भी खुद के जिम में लगाना बाइसेप ट्राइसेप में पूरे अच्छी तरीके से पंप के लिए। रिवर्स ग्रिप करने के बाद आप अपना रिवर्स ग्रिप जितना करेंगे रेपिटेशन, उसके बाद 15 रेपिटेशन और सेम रेपिटेशन 15 रेपिटेशन का नॉर्मल ग्रिप लेके फिर पूरी अच्छी तरीके से पूरा रेंज ऑफ मोशन करते हुए अच्छी तरीके से आप एक एक रेप को अच्छी तरीके से माइंड मसल कनेक्शन बनाते हुए लगाएं जिस तरीके से आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। जस्ट ट्राइसेप का वर्कआउट करने के बाद रिवर्स ग्रिप बाइसेप पे चले जाएं आप, तुरंत में मूव करना है। बाइसेप और ट्राइसेप के वर्कआउट में बॉडी को रेस्ट ना दें। जैसे आपने रिवर्स ग्रिप लिया फिर नॉर्मल ग्रिप के साथ जितना रेपिटेशन रिवर्स ग्रिप पे लिया था उतना ही नॉर्मल ग्रिप पे अच्छी तरीके से फील करते हुए करें। देख पा रहे होंगे आप पंप। हम लोग का नेक्स्ट वर्कआउट होगा आर्म्स के लिए स्कल क्रशर इंक्लाइन बेंच पे, जिस तरीके से आप देख पा रहे हो स्क्रीन पे भैया कर रहे हैं उस तरीके से। और इसी के बाद जैसे ही आपने ये कर लिया तो जैसे तुरंत करने के बाद प्रेस करना है, जैसे आपको स्क्रीन पे शो कर रहा होगा बाइसेप ट्राइसेप में का लॉन्ग हेड का ये वर्कआउट है। पूरा ट्राइसेप अच्छी तरीके से आपका पंप करेगा, आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे जिस तरीके से हम लोग कर रहे हैं। यही है कि आप जो भी वर्कआउट करें अच्छे तरीके से पूरा माइंड मसल कनेक्शन के साथ करें, ये नहीं कि बस वजन उठाना है, वजन को अच्छे फॉर्म के तरीके से उठाना है। बस बहुत लोग उठाते हैं बस वजन, वो नहीं करना है, फॉर्म में उठाना है और मसल को फील करना है जो भी मसल आप कर रहे हैं। जैसे ये वर्कआउट लॉन्ग हेड का ट्राइसेप हुआ, शॉर्ट हेड होता है पीछे लॉन्ग हेड होता है उसका वर्कआउट है, तो हम लोग फील करके कर रहे हैं। जैसे आपने ट्राइसेप का लॉन्ग हेड का वर्कआउट स्कल क्रशर कर लिया, तुरंत आप हैमर प्रेस लेना है, हैमर कर लेना है डंबल से। हैमर को ये नहीं कि एकदम पूरा सीधा उठाना है, हल्का कर्ल करके आगे की ठीक। तो गाइज ये सुपर सेट वर्कआउट है जो संकेत ने बताया कि स्कल क्रशर इंक्लाइन स्कल क्रशर विथ प्रेस प्लस हैमर कर्ल साथ में मारना है, सुपर सेट। इसे आप चार सेट आप फॉलो करें 15-15, 12-12 रेपिटेशन के साथ। थैंक यू। स्कल क्रशर में ही 10 किलो इंक्रीज करके सेम फॉर्म सेम रेपिटेशन जिस तरीके से हम लोगों ने आपको बताया था उसी तरीके से मारना है। ये नहीं कि ईगो लिफ्टिंग करना है, वेट इतना ही ले जिसमें आपका फॉर्म गलत ना हो और इंजरी का चांस ना हो। इतना वेट ले कि आप अच्छी तरीके से पूरा फॉर्म भी कर पाएँ और मसल को इंगेज भी कर पाएँ, ज़्यादा कम भी नहीं ज़्यादा भी। हमारा नेक्स्ट वर्कआउट होगा आर्म्स के लिए ही स्पाइडर डंबल कर्ल। फॉर्म आप देख पा रहे होंगे जिस तरीके से भैया कर रहे हैं, फॉर्म इसी करना आप लोगों को। इंक्लाइन बेंच को 45 डिग्री पे इंक्लाइन करना और डंबल से 7 किलो का डंबल, ज़्यादा ईगो लिफ्टिंग नहीं करना, 7.5 के डंबल के साथ अच्छे तरीके से फील करते हुए स्क्रीन पर जैसे कर देख रहे हैं इस तरीके से करना। जैसे आपने स्पाइडर कर्ल किया उसके जस्ट बाद बेंच पर से उठना नहीं है,
किक बैक करना है इंक्लाइंड होके ही, ताकि आपका मूवमेंट बॉडी हिले नहीं, एक जगह पे रेस्ट्रिक्ट रहे। जैसे आप झुक के करते हैं नॉर्मली, तो क्या होता है कि आपका बॉडी पूरा मोमेंटम लेके करता है, जिस तरीके से भैया कर रहे हैं देख रहे होंगे, पूरा अच्छे तरीके से पूरा ट्राइसेप आ रहा है, पूरा ट्राइसेप पे ही लोड आ रहा है। ईगो लिफ्टिंग यानी करना 2.5 के डंबल के साथ अच्छी तरीके से, बस फॉर्म पे ध्यान रखना है। बॉडी बिल्डिंग एक्सरसाइज में यही है कि लिफ्ट नहीं करना है, फॉर्म के साथ लिफ्ट करना है। गाइज, हमारा जो लास्ट वर्कआउट होगा बाइसेप ट्राइसेप का, वो रहेगा हमारा पहला वर्कआउट जो होगा, वो अभी मैं परफॉर्म करके बता रहा हूँ। रोप हैमर, रोप से हैमर मारना है, हैमर कर रोप से, और उसी में ओवरहेड एक्सटेंशन, रोप एक्सटेंशन, ओवरहेड रोप एक्सटेंशन, उसी को पीछे से ले करके अभी मैं परफॉर्म करके बताऊँगा, वैसे ही आपको परफॉर्म करना है। और इसका आप चार सेट ले सकते हैं, 15-15 और 12-12 का। कभी भी रिस्क ना लें, एक बार इंजरी आने के बाद बहुत मुश्किल होता है रिकवर करना, इसीलिए इंजरी से बचें और ईगो लिफ्टिंग कभी ना करें। जितना लाइट वेट ही मारें, परफेक्शन के साथ अगर आप मार रहे हैं तो आपको कभी भी इंजरीज नहीं आएगी और आपका बाइसेप ट्राइसेप बहुत अच्छा ग्रो होगा, इसीलिए ईगो लिफ्टिंग ना करें, मेरी तो यही सलाह है। थैंक यू। तो गाइज, ये हमारा रोप हैमर कर्ल रहेगा, इसे आप देखें कैसे परफॉर्म करना है। ऊपर लाके अंदर स्क्वीज करें, तो गाइज इसी के साथ जो हमारा सुपर सेट रहेगा वो रहेगा ओवरहेड रोप एक्सटेंशन। जब भी आप आर्म्स का वर्कआउट करें तो बहुत लोगों को देखते हैं जिम में कि आर्म्स का वर्कआउट तो पूरा कर लेंगे पर फोर आर्म्स को अपना निगलेक्ट कर देंगे, तो ये आर्म्स तो आपका बड़ा लगेगा पर फोर आर्म्स को लेंगे नहीं तो मसल अच्छा नहीं लगेगा, आगे चल के आपका मसल वीक हो जाएगा और आपको लिफ्ट करने में कोई भी चीज़ दिक्कत होगा। तो इसीलिए अच्छे तरीके से आप फोर आर्म्स को अपना वर्कआउट करें, जिस तरीके से आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। कोई भी आपके जिम में अगर मशीन है तो मशीन से करें, या फिर डंबल यहीं पर रख के डंबल को अच्छे तरीके से कॉन्ट्रैक्ट करके करें, ताकि आपका फोर आर्म्स में भी स्ट्रेंथ रहे, तो आपको बाइसेप करने में या डेड आप मार रहे हैं तो आपके फोर आर्म्स में पावर जी। आराम से नीचे जाएं, तेजी से ऊपर आके होल्ड करें, हाँ आराम से जाएं, तेजी से आके ऊपर होल्ड करें, आराम से जाएं, तेजी से ऊपर आके होल्ड करें, एटलीस्ट 1 सेकंड का तो होल्ड जरूर करें। इससे क्या रहेगा, अच्छा स्क्वीज होगा मसल, रिस्ट आप देख सकते हैं ऊपर आकर के, देखिए कैसे मसल स्क्वीज हो रहा है रिस्ट आपका, ये प्रॉपर तरीका है। जो मैंने, हम दोनों ने वर्कआउट जो परफॉर्म किया है वो बाइसेप ट्राइसेप का एक बहुत ही अच्छा वर्कआउट है, कंबाइंड वर्कआउट है, सुपर सेट इसे कहते हैं, जो कि आपके बाइसेप ट्राइसेप को अच्छा ग्रो करेगा। और ईगो लिफ्टिंग ना करें, लाइट वेट से ही मारे लेकिन परफेक्ट मारे, इससे आप एटलीस्ट एक महीने में आप ग्रोथ देख सकते हैं बाइसेप ट्राइसेप का। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को एंड करता हूँ। जय हिंद।